हेलो फ्रेंड्स, वन पेपर एमसीक्यूज में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे। एज आई वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस वीडियो टू मेक अ वीडियो ऑन द कंप्लीट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न ऑफ द डिफरेंट पोस्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सिलेबस है और पेपर पैटर्न है ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सो हमारे पास जो है पहला जो है पोस्ट है, इट इज़ द डिप्यूटी डायरेक्टर पोस्ट, डिप्यूटी डायरेक्टर आईटी। इसकी जो है कंटेंट वेटेज हमारे पास 100% है। 100% से मुराद है कि हमारे पास यहाँ पर जो है ये 100 एमसीक्यूज होंगे, उनमें से 30 एमसीक्यूज जो है ये ओरेकल सर्वर वगैरह के होंगे, 10 एमसीक्यूज जो होंगे ये एंड्रॉयड आईओएस मोबाइल प्रोग्रामिंग के होंगे, और 20% जो होंगे ये वेब सर्विसेज और वेब प्रोग्रामिंग के होंगे। इसके अलावा 20% एमसीक्यूज जो होंगे, यानी 20 एमसीक्यूज जो होंगे ये पाइथन और ओओपी के होंगे, और 20 एमसीक्यूज जो है ये इंग्लिश के होंगे। इसके अलावा हमारे पास जीआईएस स्पेशलिस्ट का पोस्ट है। इसकी पेपर पैटर्न ऐसी होगी कि हमारे पास जो है 30 एमसीक्यूज ये जीआईएस के होंगे, फिर हमारे पास 20 एमसीक्यूज जो होंगे ये रिमोट सेंसिंग के होंगे, 15 कार्टोग्राफी के होंगे, 15 सर्वेइंग के होंगे, और 20 जो होंगे ये इंग्लिश के होंगे। इसके अलावा हमारे पास होगी जीआईएस एनालिस्ट की पोस्ट, ये भी एस 17 की पोस्ट है, और इसका पेपर पैटर्न ऐसे होगा कि हमारे पास जो है 30 एमसीक्यू जो है जीआईएस के होंगे, 20 एमसीक्यू जो है रिमोट सेंसिंग के होंगे, कार्टोग्राफी और सर्वेइंग के 15 होंगे, और हमारे पास जो है ये 20 एमसीक्यूज होंगे ये इंग्लिश से आएंगे। अच्छा, दो पोस्ट अगर इनमें से जो है ग्रेड ज़्यादा है, यानी एक 17 और एक 18 है और सिलेबस एक सा है, सो इसमें हमारे पास उमूमी ये होता है कि जो है जो हायर ग्रेड है उसका पेपर जो है ये नीचे वाले ग्रेड से अक्सर थोड़ा मुश्किल आता है। वरना अक्सर ये भी हुआ है कि नीचे वाले पोस्ट अगर 17 का पेपर है तो वो 18 वाले से मुश्किल आया है। सो एनीथिंग कैन हैपन, इसलिए अपनी प्रिपरेशन जो है ये पूरी करके जाए। अच्छा, फिर हमारे पास है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का जो है पेपर है। इसकी जो है पेपर पैटर्न ऐसे होगा कि 40 एमसीक्यू जो होंगे ये डेटाबेस ओरेकल वगैरह से आएंगे, 20 एमसीक्यू जो है ये नेट से आएंगे, 20 एमसीक्यूज आएंगे डेटाबेस से लेकिन जनरल नॉलेज रिगार्डिंग डेटाबेस। अच्छा, फिर 20 एमसीक्यूज हमारे पास आएंगे ये इंग्लिश से होंगे। इसके अलावा हमारे पास असिस्टेंट का जो है ये पोस्ट है, इसका पेपर पैटर्न ऐसे होगा कि हमारे पास इंग्लिश ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल का जो है ये 40 एमसीक्यूज होंगे। उमूमी जो मैंने देखा है पेपर में वो ऐसे होता है कि अक्सर 10 एमसीक्यूज आ जाते हैं ये कम्युनिकेशन स्किल से और बाकी जो है ये आ जाते हैं इंग्लिश ग्रामर से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपकी एक डिवीज़न हो, कुछ भी हो सकता है, 25-15 भी हो सकता है, 20-20 भी हो सकता है। सो अगेन अपनी प्रिपरेशन जो है ये पूरी करके जाए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास 20 एमसीक्यू जो आएंगे ये बेसिक कंप्यूटर स्किल से होंगे। इसमें हमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और जो बेसिक माइक्रोसॉफ्ट की जो है ये एमसीक्यूज है ये ज़रूरी देखनी है। इसके अलावा कंप्यूटर इंटरनेट वगैरह से जो उमूमी एमसीक्यूज आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के बानी कौन थे, मॉडर्न कंप्यूटर के बानी कौन थे, इंटरनेट किसने ईजाद की, पहली जो है हार्ड ड्राइव किसने ईजाद की, ऐसी जो बेसिक एमसीक्यूज है ये पूछे जाते हैं। अच्छा, फिर जनरल नॉलेज की जो है ये 20 एमसीक्यूज होंगे। इस जनरल एमसीक्यूज में जो है ये करंट अफेयर के एमसीक्यूज भी अक्सर आ जाते हैं, सो आपको चाहिए कि आपकी करंट अफेयर भी जो है ये बेसिक करंट अफेयर की नॉलेज आपको हो। अच्छा, फिर 10 एमसीक्यू जो है इस्लामियात के होंगे और 10 एमसीक्यूज जो है ये पाकिस्तान स्टडी के होंगे। अच्छा, फिर हमारे पास जो है अकाउंटेंट की पोस्ट है, इसका पेपर जो आता है इनमें से जो है 40 एमसीक्यू जो है अकाउंटेंट और फाइनेंस के होते हैं, 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के, 20 एमसीक्यूज बेसिक कंप्यूटर और आईटी के होंगे, और 10 एमसीक्यू जनरल नॉलेज के होंगे, और 10 एमसीक्यू जो है इस्लामियात या एथिक्स के होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है ये 8 पोस्ट होंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है अच्छा सॉरी यहाँ पर भी है, हमारे पास जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है पोस्ट है। इसकी जो है पेपर पैटर्न ऐसी होगी कि 30 एमसीक्यूज इंग्लिश से होंगे, 40 एमसीक्यूज कंप्यूटर साइंस और आईटी से होंगे, और ये एमसीक्यूज जो होंगे ये कंप्यूटर साइंस आईटी से दे रिक्वायर प्रॉपर नॉलेज, यानी ये मुश्किल वाले एमसीक्यूज होंगे, ये बेसिक कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा कम आते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जनरल नॉलेज के 10 एमसीक्यूज होंगे, इस्लामियात और एथिक्स के 10 एमसीक्यूज होंगे, पाकिस्तान स्टडी के 10 एमसीक्यूज होंगे, तो हमारे पास जो है ये 100 मार्क्स का पेपर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास डेटा कलेक्टर्स की पोस्ट है, इसमें हमारे पास जो है जीआईएस के 50 एमसीक्यूज होंगे, आईटी स्किल के 20, सर्वे के 10, डीबीएमएस के 10 और इंग्लिश के 10। मुझे नहीं पता डीबीएमएस क्या है, सो आई कैन टेल यू, और जीआईएस सो सबको पता है, इट इज़ कॉमन। खैर, जो अप्लाई करेगा उसको डीबीएमएस का भी पता होगा।
अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की और पोस्ट जो है ये भी एड्रेस होती है, जैसे कि जूनियर क्लर्क की हो गई, ड्राफ्ट्समैन की हो गई, ट्रेसर की हो गई, सब इंजीनियर की हो गई। इसका पेपर पैटर्न भी इस तरह होता है कि जूनियर क्लर्क का जो पेपर होता है उसमें जो है बेसिक आईटी स्किल के 30 एमसीक्यूज, इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज, जनरल नॉलेज के 20 एमसीक्यूज, इस्लामियात और एथिक्स के 10 और पाक्सिडी के 10 एमसीक्यूज होते हैं। इसके अलावा ड्राफ्ट्समैन का जो है पोस्ट होता है, इसमें सिविल ड्राफ्ट्समैन के 40, ऑटोकैड के 40, इंग्लिश के 10, जनरल नॉलेज के 10 एमसीक्यूज होते हैं। इसके अलावा ट्रेसर का पेपर होता है, इनमें हमारे पास होती है इंग्लिश के 20, जनरल नॉलेज के 10, इस्लामियात के 10, पाक्सिडी के 10, ऑटोकैड के 30 और सर्वे के 20% एमसीक्यूज। अच्छा, फिर हमारे पास पोस्ट होता है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का, इसमें जो है ओनली टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट नहीं होता। आप जाएंगे वो आपसे टेस्ट लेंगे एंड दे विल गिव यू द मार्क्स। अच्छा, फिर सब इंजीनियर का टेस्ट होता है, पेपर होता है, इसमें हमारे पास डीआईए सिविल से जो है ये 60% एमसीक्यूज आते हैं, इंग्लिश से 20, जनरल नॉलेज से 10, इस्लामियात से 5 और पाक्सिडी से 5 एमसीक्यूज आते हैं। फिर हमारे पास जो है ये होता है कंप्यूटर ऑपरेटर का, इसमें हमारे पास जो है 30 जो है इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं, कंप्यूटर साइंस से 40, जनरल नॉलेज से 10, इस्लामियात से 10 और पाकिस्तान स्टडीज से 10। इसके अलावा हमारे पास जो है ये पोस्ट होता है असिस्टेंट सोशल ऑर्गेनाइज़र का, इसमें हमारे पास जो है ये कंटेंट वेटेज ऐसी होती है जैसे कि असिस्टेंट की होती है, दे आर द सेम। हमारे पास 40 एमसीक्यू जो होते हैं ये इंग्लिश ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल से आते हैं, मैंने आपको बता दिया किसकी तरतीब कैसी होती है। फिर बेसिक कंप्यूटर स्किल आते हैं 20 एमसीक्यूज आती है जनरल नॉलेज, जिसमें हमारे पास जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स होती है। इसके अलावा 10 एमसीक्यूज पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात के 10 एमसीक्यूज। ये हो गए आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तकरीबन 15-16 पोस्टों, और बस इस पेपर पैटर्न के लिहाज से आपने जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई की है उसके लिए स्टडी करें। अगर आपको कोई भी पास पेपर चाहिए या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए अपनी प्रिपरेशन से मुतल्लिक तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम वो आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली मर्तबा एक नए पास पेपर के साथ और बहुत सारे एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए और मुझको दुआ में याद रखिए। सी यू सून विद नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।